नमस्कार। गोरखपुर न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सांसद रवि किशन शुक्ल समस्त गोरखपुर मंडल को और मेरे फैंस को पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर न्यूज के द्वारा दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरे प्रदेशवासियों को धनतेरस की, दीपावली और छठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा देश, हमारा प्रदेश दुनिया के विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा होने जा रहा है, माँ लक्ष्मी सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को वैभव और धन प्रदान करेंगी और सब सुखी और खुशी पूर्वक जीवन अपना व्यतीत करेंगे। यही माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ। सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली और छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। सभी को सादर प्रणाम और गोरखपुर न्यूज़ के दर्शकों को इन आने वाले त्योहारों की जो श्रृंखला है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और बस एक प्रार्थना जरूर रहेगी कि दीपावली का त्यौहार जो है आपस में हंसी खुशी मनाएं और घातक पटाखों से और जो शोर शराबे वाले पटाखे हैं जिनसे लोगों को नुकसान होने की संभावना है उसमें थोड़ा एहतियात बरतें। ऐसी एक हमारी कामना रहेगी, हमारा एक संदेश रहेगा और आप सभी से प्रार्थना रहेगी। आप सबको ये आने वाला त्यौहार जो है धनतेरस, दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां, धन्यवाद। गोरखपुर ये चैनल कार्यक्रम कर रहा है दीपावली के अवसर पर, ये शुभकामना हम लोगों की है। ये चैनल भविष्य में भी सफलपूर्वक कार्यक्रम करता रहे, ये हमारी शुभकामना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया भाई के द्वारा एक दिया शहीदों के नाम दीपोत्सव एवं देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिया भाग। अमर शहीदों की याद में भीम सरोवर पर जलाया दिया, देखा सांस्कृतिक कार्यक्रम।